हे दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिज़ाइन इंजीनियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि उसके मन में भी आते हैं और कस्टमर से भी उसको पूछने चाहिए, राइट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंजेक्शन मोल्डिंग के कुछ पॉइंट्स देखे थे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। इसके पहले वाला लेक्चर है, राइट। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं, देखो कोई भी डिज़ाइन इंजीनियर हो तो वो डिज़ाइन इंजीनियर को कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके मन में जरूर रहेंगे, राइट। अगर कोई क्लाइंट उसके पास आएगा और वो अगर कोई कंपोनेंट लेके आता है, कोई काम लेके आता है, राइट, तो उसके पास कुछ क्वेश्चन होंगे कस्टमर डिज़ाइनर के पास जो उसको पूछना चाहिए, राइट। अगर वो क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछोगे तो अगर आप डिज़ाइन स्टार्ट करोगे तो आपका डिज़ाइन क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे भाई डिज़ाइन हमारा फेल हो, राइट। तो भाई जब भी अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप डिज़ाइन को स्टार्ट करते हो तो जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे ना, तो कस्टमर उसको क्या कर देगा, उसको फेल कर देगा, राइट। और हम नहीं चाहेंगे भाई वो फेल हो और रिवीजन में वो बार बार जाए, या फिर आप उसको फिर से रीडिज़ाइन करना पड़े या बार बार उसको मॉडिफाई करना पड़े। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन कभी भी मोल्ड को डिज़ाइन करना स्टार्ट नहीं करना, किसी भी कंपोनेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, राइट। उसके बाद आपका जो अगर आप विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप करते हो तो आपका वो रिवीजन में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखो डिज़ाइनर क्वेश्चन टू कस्टमर फॉर मोल्ड डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कंपोनेंट इन 2D और द 3D। देखो पहले 2D को देखते हैं। देखो 2D बेसिकली क्या होता है, ड्राइंग्स या डायमेंशन उसको प्रोवाइड कराएगा किसी भी कंपोनेंट के लिए। तो भाई हम उसको 3D में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर 3D ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम लोग हमारे पास डायरेक्ट 3D रहेगा, ठीक है। 3D किसी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि XT जिसको पैरासोलिड भी बोलते हैं, स्टेप, IGS या एनी CAD फॉर्मेट, किसी भी CAD फॉर्मेट में वो हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, राइट। तो जो कि कस्टमर हमको प्रोवाइड कराएगा, अगर उसके डायमेंशन पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएंगे फ्रॉम द कस्टमर हैंड, तो ही हम उसका मोल्ड डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ड्राफ्ट एनालिसिस या फिर उसके डायमेंशन जो भी हो सकते हैं, राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो है टोटल नंबर ऑफ कैविटीज। देखो टोटल नंबर ऑफ कैविटीज कस्टमर हमको बताता है कि कितने नंबर ऑफ कैविटीज का मोल्ड क्रिएट करना है, राइट। तो नंबर ऑफ कैविटीज के ऊपर डिपेंड करता है मोल्ड का साइज, ठीक है, और रनर का डायमीटर और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन नंबर ऑफ कैविटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी मशीन लग सकती है, या फिर मशीन का बेड साइज या फिर उसका टाई बार डिस्टेंस क्या चीज़ होगी। तो मोल्डिंग मशीन को डिसाइड करने के लिए भी नंबर ऑफ कैविटीज की हमको रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर से हमको ये पूछना पड़ेगा कि भाई 2 कैविटी, 4 कैविटी, 6 कैविटी और 8 कैविटी, कितने कैविटी के लिए मोल्ड आपको बनवाना है, राइट। उसके बाद एक कंपोनेंट का मटेरियल, ठीक है। देखो कंपोनेंट का मटेरियल क्या हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल होगा जनरली, राइट। प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट दो तरह के मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मटेरियल हमको ये जानना होगा कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है तो उसके अंदर PP है, PC है, ABS मटेरियल है, PA मटेरियल है, PVC है या POM मटेरियल है। मतलब कोई सा भी मटेरियल हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका कुछ ना कुछ उसकी वजह से डायमेंशन चेंज होगी। जैसे रनर का डायमीटर एग्जांपल के, रनर का डायमीटर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द PP एंड द PC, राइट। तो अलग अलग हो सकता है। तो भाई हमको कंपोनेंट के मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं श्रिंकेज वैल्यू के बारे में। देखो श्रिंकेज वैल्यू क्या होता है, दुनिया का कोई भी मटेरियल है और कोई भी कंपोनेंट का मटेरियल रहेगा तो भाई वो क्या होगा, भाई कूल होने पर श्रिंक होता है, ठीक है। अगर आप मेल्ट करोगे उसको, मेल्ट करने के बाद जब उसको किसी विसल में डालोगे और अगर आप उसको कूल करोगे तो बेसिकली क्या होगा, वो श्रिंक होगा, अपने डायमेंशन में कमी लेके आएगा। तो कितनी कमी लेके आएगा वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, राइट। तो वी शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट मटेरियल एंड इट्स श्रिंकेज वैल्यू, राइट। उसके बाद है मेथड ऑफ डीकेटिंग, ऑटोमेटिक और मैनुअल। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, रनर दिख रहा है और कंपोनेंट दिख रहे हैं, राइट। तो यहां पर रनर और कंपोनेंट एक दूसरे से डिगेट कैसे होंगे, अलग कैसे होंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं, राइट। अगर मैं इसको कट करता हूं बाय द कटर तो बेसिकली आप बोलोगे, इसको बोलेंगे मैनुअल डिगेटिंग, ठीक है। मैनुअल डिगेटिंग मतलब कंपोनेंट का प्रोडक्शन होने के बाद विद द फीड सिस्टम हम लोगों ने इसको बाद में कट किया है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर इस तरह से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट लगेगा, राइट। लेकिन तो इसको बोलते हैं हम लोग मैनुअल डिगेटिंग, राइट। उसके बाद है ऑटोमेटिक डिगेटिंग। ऑटोमेटिक डिगेटिंग का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहां पर आपको एक बनाना गेट बता रहा हूं। इस बनाना गेट को बनाने के लिए हमको कुछ इंसर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब मोल्ड की कॉस्ट जो रहेगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का जब इजेक्शन होगा तो उसके दौरान ही ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में डिगेट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो इसके लिए इसकी कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डिगेटिंग, और इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा,
उसके बाद है अवेलेबल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड इट्स इंजेक्शन प्रेशर। तो पहले अवेलेबल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो भी कस्टमर के पास अवेलेबल है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, राइट। जैसे 30 टन या 50 टन या 80 टन की मशीन उनके पास एग्जांपल के लिए अवेलेबल है, राइट। और इंजेक्शन प्रेशर की बात करें तो भाई ये वाला जो एरिया है यहाँ पर इंजेक्शन प्रेशर लगता है, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया को जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो जूम करने के बाद ये पता चलता है कि स्क्रू जो फोर्स प्रोवाइड कराएगा ऑन द मटेरियल तो उससे इंजेक्शन प्रेशर जनरेट होता है, राइट। तो इंजेक्शन प्रेशर जनरली होता है मेगा पास्कल में, राइट। तो वो हमको रेंज पता होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज हम लोग फॉर द कैलकुलेशन लेते हैं टनेज के लिए, ताकि टनेज के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकें, राइट। उसके बाद है हॉट रनर का यूज, यस और नो, ये कस्टमर से हमको पता रहना चाहिए कि भाई हॉट रनर का यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर आप हॉट रनर का यूज करते हो तो भाई ये मोल्ड की कॉस्ट को ओवरऑल इंक्रीज करता है, ठीक है, मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, ओके। अब कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन द कोल्ड रनर एंड द हॉट रनर। देखो बेसिकली अगर मैं कोल्ड रनर का इस्तेमाल करता हूँ जिसके अंदर फीड सिस्टम साथ में आने वाला है, राइट, तो ये हमारा लेस कॉस्ट होगा, इसका कॉस्ट कम होगा। लेकिन अगर मैं हॉट रनर की बात करूँ तो उसके अंदर हॉट रनर इसके अंदर ऐड हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी कॉस्ट जो होगी वो हाई होगी। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिसीजन डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि भाई कस्टमर को अगर हॉट रनर पे जाएंगे तो भाई मोल्ड की कॉस्ट ज़्यादा होगी लेकिन उनको फायदा है। फायदा उनको ये है कि भाई जो भी कंपोनेंट निकलेगा वो विदाउट फीड सिस्टम निकलेगा, लेकिन कोल्ड रनर में वो विद द फीड सिस्टम निकलने वाला है, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट ऑफ द कंपोनेंट, इसका मतलब ये होता है कि कितना कंपोनेंट का प्रोडक्शन आप चाहते हो। अब देखो नंबर ऑफ कैविटीज अगर बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी आपका कंपोनेंट का बढ़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉट की कि कितने शॉट आप चाहते हो, राइट। शॉट इन द सेंस 5K 10K 20K 50K शॉट्स आप कितनी बार मोल्ड को ओपन और क्लोज करना चाहते हो, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द शॉट या फिर आप बोल सकते हो कितना वर्किंग आप चाहते हो उसके हिसाब से कोर और कैविटी का मटेरियल आप चूज कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप कॉस्ट चाहोगे विद द डिजायर डायमेंशन आपको उतना ही अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5K शॉट चाहता हूँ या 5000 शॉट चाहता हूँ तो भाई जो मैं मटेरियल यूज करूँगा, राइट, वो थोड़ा सा कम हार्ड होगा। लेकिन अगर मैं 50K चाहता हूं तो भाई वो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा कोर और कैविटी के लिए, राइट, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो 7 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी इन्फॉर्मेशन जब तक आपके पास ना हो, जब तक डिजाइनर के पास नहीं होती, तब तक मोल्ड को डिजाइन करना स्टार्ट नहीं कीजिएगा। तो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्ट डिजाइन फॉर द डिजाइन इंजीनियर, राइट। तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी भाई तब तक मोल्ड को डिजाइन करना कभी भी स्टार्ट मत कीजिएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, राइट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।